वेलकम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इस फॉर्मूला कैसे आए जानेंगे। इधर देखिए, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है। ये राइट हैंड साइड कैसे आए हम सीखेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के सर्कल लेंगे। साइन 3x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2x प्लस एक्स। ओके, आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता ही होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी। ए होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए बेसिक फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे। ओके, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स। ओके, और एक स्टैंडर्ड फार्मूला है साइन 2x। साइन 2 टीटा का फार्मूला है 2 इंटू साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। ओके, और एक कॉस 2x मतलब कॉस 2 टीटा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर टीटा। ओके, साइन 2x का हम लेंगे इस तरह, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक इंटू कॉस एक्स हो गया ये फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में कॉस 2x है, इसको हम यूज करेंगे, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू, ये हो गया साइन एक्स। ओके, बाद में 2 इंटू साइन एक्स, इधर देखिए कॉस इंटू कॉस, इसे कॉस स्क्वेयर हो गया। आपको बेसिक आइडेंटिटी पता ही होगा, साइन स्क्वेयर टीटा प्लस कॉस स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वेयर टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर टीटा होता है। ओके, इसी तरह कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर हो गया, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो गया साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो गया। ओके, इसको भी ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 2 साइन एक्स, बाद में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। इधर देखिए, साइन ऑफ 3x इज इक्वल, साइन 3x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ए होता है 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ए होता है माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।